तो चलिए आज बनाएंगे कोरियन पैनकेक फ्रॉम बेसिक इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए हमें खूब सारी सब्जियां लगेगी। सबसे पहले इसमें डालेंगे फाइनली चॉप प्याज। ये करीबन 1/4 कप मैंने प्याज डाला है। जो प्याज नहीं खाते वो कैबेज यूज़ कर लेना। इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप में शिमला मिर्च यानी कि ग्रीन कैप्सिकम। 1/4 कप कैरेट डाल दिए यानी कि गाजर। इसमें डालेंगे सेसम सीड यानी कि तिल, जिसको हल्का सा मैंने रोस्ट करके रख लिया था। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, कांदा पात, आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताना, 1 चम्मच डाला है। इसमें डालेंगे खूब सारे ग्रीन चिली, आपको जितनी पसंद है आप उतनी डालना, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। इन सबको जो है अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना करें, उनसे शेयर कर दें जिनसे आप ये बनवाना चाहते हो, ताकि वो सेम टू सेम डिश आपके लिए बना पाए। और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी फॉलो कर लेना, ताकि आने वाले लाइव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, नमक डाल दिया इसमें ताकि एक्सेस पानी जो है सब्जी अपना छोड़ दे, और इसको भी हम साइड में रख देंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम रेसिपी का दूसरा पार्ट तैयार कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फॉर कोरियन डिश, थैंक यू, वेलकम श्रुति जी। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैदा लिया है यानी कि रिफाइंड फ्लावर। इसमें हम डालेंगे नमक यानी कि सॉल्ट। संजू जी हाय, सना जी हाय, नमक स्वाद अनुसार। फिर इसमें हम डालेंगे पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसका एक बैटर तैयार करेंगे। पानी यहाँ पर करीबन अभी मैंने 50 ml डाला है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लम्प फ्री बैटर हमें बनाना है इसीलिए। तो देखिए पानी हम डालते जा रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं। रितुश्री जी वी कॉल इट प्याला, ओके। दीप्ति जी हाय, अन्या जी हाय, रोहिणी जी हाय। किसी के कमेंट मिस हो जाए सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि लाइव वीडियो में कभी कभी होता ही है कि कमेंट्स विजिबल नहीं रहते हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड। व्यूअर्स, आज लंच में आप क्या बना रहे हो हमें कमेंट करके बताना। मैं तो आज कोरियन डिश बना रही हूँ फ्रॉम बेसिक इन्ग्रीडियंट्स जो घर में है। सुनीता जी हेलो, मनीष जी हेलो, शिवानी जी हेलो। रेसिपी को कहाँ से देख रहे व्यूअर्स कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से साइड की रेसिपी को लेकर आना है, क्या फ्यूजन के साथ लेकर आना है। उमा जी हेलो, रिया जी हेलो। अब जो है टोटल पानी जो यहाँ पर हमने टोटल 150 ml पानी डाला है ये बाटम है। ये रेसिपी को मैं आराम से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो व्यूवर्स, और एक परफेक्ट डिश बना पाओ। एक डिप की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइव सेशन में, वो भी एक तरीके से कोरियन डिप है, इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिलते हैं उसी से बनाएंगे। ये जो वेजिटेबल्स जो हमने रखे थे इसको इसमें हम डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया लगता है, ज़रूर बना के खाना है। और बना रहे हो तो पिक्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। नेहा जी वॉचिंग फ्रॉम उड़ीसा, थैंक यू नेहा जी फॉर वॉचिंग। व्यूवर्स, उड़ीसा की कौन सी फेमस डिश है नेहा जी हमें ज़रूर बताना। और व्यूवर्स, आप भी कोई ऐसी डिश है आपके स्टेट में या आपकी सिटी में तो हमें कमेंट करके बताना फेमस जो है। मानसी जी वाओ दैट साउंड्स ग्रेट, थैंक यू। देखिए हमारे बैटर में सारी सब्जियां मिल गई है। अब जो है ये जो है पैनकेक को हम इसमें पैन में डालेंगे। तो सबसे पहले जो है अपना गैस ऑन कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये बैटर को डालना स्टार्ट कर देते हैं। ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नीचे, अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालो। मैं नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ इसलिए मेरे को डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो ये जो पैनकेक का जो बैटर है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और फैला देंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो लाइव वीडियो में बन रहा है व्यूवर्स। लाइव वीडियोज़ की यही खासियत होती है कि व्यूवर्स को एग्जैक्ट रेसिपी मिलती है, जैसे यहाँ पर बनेगा वैसे ही आपके घर पर बनेगा। देखिए ये हमने डाल दिया है, खूब सारी सब्जियां तो आपको दिख ही रही होगी, इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, मेरे फैमिली में तो सभी का फेवरेट है। देखिए ये हमने डाल दिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल, सेसम ऑयल हो तो यूज़ करना और बढ़िया लगेगा। चारों तरफ लगा दिया है, इसको ढक के मैं मीडियम फ्लेम में पका रही हूँ, पर आप जब बनाओ तो इसे जो है लो फ्लेम में पकाना, ताकि अंदर से भी बहुत क्रंची रहे। तो जब तक ये हमारा बन रहा है तब तक एक हम डिपिंग सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए डालेंगे हम 1/4 कप अनियन यानी कि प्याज।
शालिनी जी थैंक यू। इसमें डालेंगे जिंजर जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया था, एक बड़ा चम्मच। गार्लिक डालेंगे, गार्लिक सिर्फ एक क्लव ली थी उसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया था। इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, एक नींबू का रस। व्यूअर्स कैसी लग रही है रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताओ और लाइक ज़रूर कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 1/4 कप मैं सोया सॉस इसमें डाल रही हूँ, जैसे वहाँ पे बनती है वैसे ही बना रहे फ्रॉम घर के इंग्रेडिएंट्स। इसमें डाल रहे 1 टीस्पून के अराउंड विनेगर, वाइट विनेगर। इन सबको एक बार अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्सर में हम पीस लेंगे। बहुत टेस्टी लगता है डिपिंग सॉस, ज़रूर बना के खाना है व्यूअर्स, इसके साथ बना के खाइए पैनकेक के साथ, आपको मज़ा आ जाने वाला है, हमारी गारंटी है। ये देखिए ये हमारा बन गया, सेम इसी कलर का लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, इसके साथ ज़रूर खाना। इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ना सॉस में नमक रहता है, अगर आपको नमक ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हो। इसमें थोड़े से सेसम सीड हम इसके ऊपर डाल देंगे, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स जो है उसे भी थोड़ा डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा टेस्टी सा कोरियन डिप बन के तैयार हो गया है, इसे इधर रख देते हैं और अभी हम अपना पैनकेक देख लेते हैं जो हमने पकाने के लिए रखा था। ये भी देखिए मुझे तो लग रहा है पक गया है, अब जो इसको हम फ्लिप करेंगे दूसरे साइड से ही पकाएंगे। ये देखिए बहुत ही मस्त लगता है व्यूअर, ज़रूर बना के खाना है इसको। आपको क्रंची करना है तो और क्रंची करना है, क्योंकि लाइव वीडियो है, कम समय में हमें रेसिपीज देनी रहती है तो इसलिए इसे और क्रंची नहीं कर पा रही हूँ मैं। तब तक कुछ कमेंट्स रीड कर लेते हैं व्यूअर्स के। पारुल जी हाय, शशि जी लिख रहे ग्रेट थैंक यू, तस्नीम जी थैंक यू, हुदा जी यू ऑलवेज मेक थैंक यू न्यू रेसिपीज थैंक यू, मंजू जी टेस्टी थैंक यू, शनि जी हाय, अनी जी यम थैंक यू, तस्नीम जी थैंक यू, रश्मि जी हेलो। बहुत ही बढ़िया लगता है, इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी अंदर से कैसा लग रहा है, ज़रूर बना के खाना है। नई रेसिपीज जो है ना यमी रेसिपी खजाना में आपको मिलती ही रहेगी, तो इसके लिए फॉलो कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बार आइकॉन पे एक नोटिफिकेशन का आपको मिलेगा, बेल मिलेगा, उसको दबा लेना, ऑन कर लेना ऑफ़ करने की जगह, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। आज सुबह भी हमने एक बहुत अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करी थी ब्रेकफास्ट की, व्यूअर्स हमारे पेज पे जाके देख सकते हो उसे। सीमा जी वेरी नाइस थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, रुबीना जी वालेकुम सलाम, इतना तो आता है मुझे, रीता जी यमी थैंक यू। तो ये देखिए ये हमारा बन गया है, देख लेते दूसरे साइड से पका है नहीं पका है। तो देखिए ये हो गया है, इसको आप और चाहो तो और इसे पका सकते हो, मुझे इसी तरीके से पसंद है इसीलिए मैं इसी तरीके से इसे सर्व कर रही हूँ। इसको कट करके आपको दिखा देती हूँ, जिस तरीके से सर्व किया जाता है उसी तरीके से सर्व करूँगी आज आपके लिए भी। जिसको क्रंची करना है क्रंची कर लेना व्यूअर्स, गर्मा गर्म बनाए खाए इंजॉय करे, यमी रेसिपी खजाना के साथ जुड़े रहे। मैं शेफ तन्वी आपके लिए इसी तरीके की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग दी रेसिपी ऑफ थाई करी ऑल्सो, तो जिसको थाई करी की रेसिपी चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताए जल्दी से। ये सब अगर आप बोल दोगे तो थाई करी की रेसिपी 100% आएगी, वो भी एकदम जल्दी। ये देखिए हमारा अमेजिंग सा कोरियन पैनकेक बन गया, इसको गार्निश कर रहे थे, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डाल दिए मैंने थोड़े से इसमें सेसम सीड डाल रही हूँ। इसको इसी तरीके से बनाएं खाएं इंजॉय करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन, डू ट्राई।